Ms. Vishal Ghosh, I'm here to share some of my knowledge and guide you with the subject. So let's begin with the topic. Our today's topic is wave optics. As you know, what is a wave? Here we have mentioned a wave is a disturbance produced in the medium by the particles. तो यहाँ पे हम लोग ने जो वर्ड इस्तेमाल किया डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस तभी आता है जब भी कोई एक्सटर्नल एनर्जी वहां पे हो और वो पार्टिकल को लगे, तो जिसके कारण पार्टिकल एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में सेटअप हो जाता है एंड वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन कन्वर्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर मोशन में, जिसे हम बोलते हैं वेव मोशन. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड नॉट वेव मोशन. बट यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है वेव ऑप्टिक्स, ये क्या है? तो ऑप्टिक्स इस शब्द का मतलब होता है लाइट, या फिर इन जनरल अगर कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इधर आया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अ वेव और अ डिस्टरबेंस कॉज्ड ड्यू टू एक्सिलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड दस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic fields vibrating sinusoidally at right angles to each other. These waves travel at 3 lakh kilometer per second or 3 into 10 raised to 8 meter per second. This wave, in other words, is also known as light when visible to a human eye. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है about The accelerating charged particles. अक्सर किसी के माइंड में यह जरूर ख्याल आ सकता है कि यह accelerating charged particle होता क्या है. So let us understand. देखिए, हमारे लिए हमारा सोलर सिस्टम में सन जो है इट्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, और सन से एक बात ध्यान में रखना कि सन के सरफेस पे काफी लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा ये रिएक्शन हो रहा है, जिसके चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ये एमिट होते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा अर्थ भी आता है और हमारे अर्थ की तरफ ये एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स भी ट्रेवल हो रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो जस्ट इमेजिन, जब भी ये चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे होते हैं या फिर मोशन में होते हैं ना, तभी यहां पे एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, और ये इससे हम यहां पे बोलते हैं वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. एंड ये दोनों फील्ड एक ही इसमें एक ही वेव में आएंगे, बट इन दोनों का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बारे में एक अलग सा लेक्चर मैं जरूर बनाऊंगा जहां पे हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. फिलहाल आगे चलते हैं इस चैप्टर का, जिधर इस चैप्टर में इस टॉपिक में दिया हुआ है द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक. टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज द वेव थियरी ऑफ लाइट और सिंपली वेव ऑप्टिक्स. It is a branch of optics that describes the behavior of light in terms of waves. This theory provides a comprehensive understanding of phenomenon related to propagation, interference, diffraction, polarization and dispersion of light. आगे यहाँ पे discussion चल रहा है next topic के बारे में, जो है wave particle duality. वेव पार्टिकल डुअलिटी यहां पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकता है, बट मैं इसको कोशिश करूंगा एकदम सिंपल वे में बताने के लिए. तो यहां पे पहला ये लिखा हुआ है उसको रीड करते हैं और इसका बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करेंगे. द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज इन द लेट 17th एंड 18th सेंचुरीज व्हेन साइंटिस्ट लाइक क्रिस्टियन हाइजेंस एंड ऑगस्टिन जॉन फ्रेस्नेल डेवलप्ड इट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. Their work was instrumental in demonstrating the wave-like nature of light. यहाँ पे बहुत clearly mention किया हुआ है, अगर आप देखेंगे इधर, the wave-like nature of light.
इसका मतलब हुआ था क्या कि इनसे पहले मतलब 17 सेंचुरी से पहले की बात अगर मैं करूं तो उस वक्त लाइट के बारे में जब भी एक पर्टिकुलर एक नोशन था कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल के कारण हो रहा है, मतलब लाइट में पार्टिकल का प्रेजेंस होता है। और